प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप क्लास 9th के मेरे प्यारे से बच्चे हैं। थोड़ा वजह से मेरा सेहत अच्छा नहीं है, फिर भी आपका जो सिलेबस से पीछे हो रहा था फिजिक्स का लेकर, उसको मैं थोड़ा करना है। आपका मैथमेटिक्स ठीक है बच्चा जी, आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है। आपको मैं 2-3 चैप्टर और करा दूंगा, तो आपको मैथमेटिक्स में जितने लेक्चर है मेरा, माना पूरा आपको नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि जितना लेक्चर है आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, आप 100 में 100 ला सकते हैं। 2-3 चैप्टर पढ़ा दीजिए हमको, मतलब आपका नवंबर तक हम पढ़ा ही देंगे, लेकिन आपको जो लाइन सिंगल हैं, जो चैप्टर छूट रहे हैं, उसको भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, उसको भी आपको मार्च के पहले कराएंगे, लेकिन जितने चैप्टर अभी पढ़ा देंगे ना आपको महीने दिन के अंदर में, आपके बोर्ड्स जो आपके फाइनल एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम, उसमें आप 100 लाने के लिए काफ़ी होगा नंबर। उतना मेरे पास सारे पेपर है, मैं पेपर चेक किया हूँ, आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें 50 सॉल्व करने होते हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन डबल होता है, तो जितने क्वेश्चन से काम चल जाएगा 100 में 100 उतना तैयारी में करा दिया हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे, जो आपको टेस्ट ऑफलाइन हो रहा है, तो आप अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा आपसे विनती है कि प्लीज़ आप थोड़ा उसको फिर शुरू से एक बार रिविजन कीजिए, चैप्टर्स को थोड़ा थोड़े क्वेश्चन बनाइए, थोड़े नंबर सिस्टम से, थोड़े पॉलीनोमियल से, थोड़े बनाइए अपने इक्वेशन से, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दो चार क्वेश्चन करते रहेंगे ना आपका काम, आपका कंसेप्ट डिविजन होता रहेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी आपके डाउट्स बचेंगे नहीं, क्वेश्चन तो आपसे ईजिली हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ेंगे साइंस से पढ़ेंगे, फिजिक्स से पढ़ेंगे हम सर, जो ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू हुआ था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिविजन भी करा दूंगा बच्चा जी। ये बायोलॉजी लिखा है, इसमें जाइएगा, बायोलॉजी को भी था, फिर इसमें आता हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट विजन फिर से करा देते हैं। देखिए, हमने सबसे बड़ा पढ़ा था सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में बार बार आता है ये, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या होता है, इसमें कहा गया था कि भाई जो भी दो पिंड होंगे एक दूसरे को, एक पिंड जो होगा अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के दरमियान गुणनफल का समानुपाती होता है। एक कोई ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है, मतलब मेरे दो एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, ठीक है, और ये आकर्षित करते हैं जिस बल को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो दोनों पिंड है, एक पिंड वन, ये पिंड दो, दोनों का जो मास होगा, उसका जो प्रोडक्ट, जो मास होगा उसका जो गुणनफल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी, जो गैप है इनके बीच में, ये जो मैं गैप रखा हूँ, दोनों को दूर रखा हूँ, इनकी दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है, ठीक। ये प्यारा सा क्वेश्चन था, इसको हम जब फार्मूला ड्राइव किए थे इसका, तो ये वाला आया था, ठीक, जहाँ पर सर जी क्या बोला गया था, आपको जी बताया गया था सर, ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। जी क्या है, जी को शॉर्ट में बोला जाता है ULG बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जी क्या है सर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू बारह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम आगे निकाल दिखाया गया कुछ ये इसके बारे में, कार्य गुरुत्वाकर्षण बल जो था इसके बारे में कुछ बातें थी, ये यहाँ पर लिखा गया है, और हम जी का वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिखाए थे। फिर बात हुआ था यहाँ पर, ये कुछ ये एफ जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण एफ का जो वैल्यू होता है इतना लेना है आपको, ठीक, जो जी का वैल्यू है यहाँ पर ये बराबर इतना, ठीक है, उसका इतना आया, और यही उसका जो वैल्यू होता है ना 6.67 × 10⁻¹⁹ N, यही आता है जी का वैल्यू, तो इसको भी निकाल के दिखाया गया था आपको, जी का वैल्यू इसको याद रखना आपको 6.67 × 10⁻¹⁹ N²/kg², और ये क्यों आता है, इसका ऐसा ही मात्रक यहाँ पर क्यों लगाया गया न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, यहाँ आपको दिखाया था एफ जी M1 M2 R²। एफ जो होता है फोर्स न्यूटन में होता है, जी निकालना है सर, अच्छी बात है, M1 सर मास है तो KG, M2 मास है तो KG, और दूरी को हम मीटर में लेते हैं, तो दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसमें गुना हो गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और KG इसमें आ गया तो KG² आपको ये भी निकालना सिखाया गया था, मात्रक इसके याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप क्वेश्चन को रिविजन कीजिएगा, एवं फिर से मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ सारे स्लाइड को। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके थे, आपको मज़ा भी आया था सर। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, उसके महत्व ये है आपके लिए।
हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे ये भी सब, ठीक है। और आपको मैं अब ले चलता हूँ डायरेक्ट आखिरी में, क्योंकि जब अब जितने थे सब क्वेश्चन का रिवीजन था। मैं जी आपको पिछले बार पढ़ाया गया था यहाँ तक, ठीक है। देखिएगा ये मेरा वीडियो था, आखिरी वीडियो में इतना ही पढ़ाए थे हम आपको, याद आ रहा है, ठीक है सर। ये मैं कुछ चला आपको दिखा रहा हूँ, यही था आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू, ये बोला गया था वो, बस यहाँ से शुरू करना था भाई, थोड़ा सा आपका रिविजन करा दिया, आया मज़ा। चलो सर जी, अब बच्चे को मज़ा आ ही गया तो फिर हम चल रहे हैं आगे। एक सेकेंड बच्चा जी, चलिए मैं थोड़ा सा पेंसिल मार्कर भी ले लेता हूँ, थोड़ा आपको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए शुरू किया जाए, आइए हम पढ़ेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। देखो कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लेकिन यहाँ पर सर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा, एक्सेलरेशन के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला बल को जो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू भी आपको बता दिया था कि सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है सर। कुछ रिविजन कर लेते हैं, आपके पास मान लीजिए सर एक मास ये है, ठीक, 2m का, और एक है m का, ये भी अपने पास खींचेगा उतना ही बल से जितना खींचेगा अपने बल से, ठीक है सर। सर इस पर फोर्स क्या लगने वाला है? इसका फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग सर? इसका फोर्स निकालेंगे सर हम लोग, चूँकि a बराबर m होता है फॉर्मूला, ठीक सर। m क्या है सर? इसका मतलब मास क्या है सर? 2m, तो लिखेंगे सर 2, फार्मूला होता सर ना m1m2r2, ठीक है सर। तो चूँकि ए बराबर एम है, एफ का मान है सर कितना? फोर्स 2 है सर। एम सर कितना है? जी तो कॉन्स्टेंट है सर, और एफ कितना है सर? 2m, तो 2m, 2 और m, और ए एक्सेलेशन, एक्सेलेशन बाद में निकालेंगे सर, ठीक है। 2gmmr2 इसका हो गया, ठीक है सर। अब ऐसे इसे क्या हो सर? इसका हो जाएगा ए बराबर 2g, दोनों में बराबर फोर्स, इक्वल फोर्स लगते हैं, ठीक है सर। अब निकालते हैं सर हम इसका, चूँकि ए बराबर में, तो एफ का मान, ए का मान कैसे निकालेंगे? a बाई m से डिवीजन करेंगे, जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम m से डिवाइड कर देंगे, उसके मास से डिवाइड कर देंगे सर यहाँ पर। तो पहले हम पिंड a का निकाल लेते हैं, पिंड a का, तो ये a का हो गया और ये b क्या है, ठीक है सर। अब देखिए मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, b का त्वरण, दोनों पर एक्सेलरेशन निकालते हैं, दोनों पर एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? देखो मतलब इस पिंड पर एक्सेलरेशन किसके मास का लग रहा होगा? इसके मास का, किसके मास का? तो बहुत अच्छी बात है, इसका मास, इसी के जितना इसके मास होगा इस पर ही एक्सेलरेशन लगाया कि नहीं लगाया देखते हैं। अपने फार्मूला पर है सर ए बराबर एम ए, यह सब ए मतलब सर क्या होता है? यही एक्सेलरेशन है, इसी को हम त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण कैसे निकालेंगे सर? तो इसको बाहर करेंगे, एम मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, फोर्स अपॉन एम, फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो सर इसका मास के फोर्स कितना है सर? इसका फोर्स है आपका बी वाला निकालते हैं सर, ए बराबर फोर्स एम ए, तो एक्सेलरेशन वन निकालते हैं सर। पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो देखिए एक्सेलरेशन वन निकालेंगे तो क्या निकले सर? फोर्स क्या है इस पर? इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 2gmm बटा आर स्क्वायर, अब मास से डिवाइड करो, इसका मास कितना है सर? एम है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पिंड पर, इस पर ध्यान दीजिए, इसका मास कितना है? एम सर। इस पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा उसको हम निकालने चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया सर? फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, फोर्स इस पर कितना लग रहा था सर? फोर्स लग रहा है सर 2gmm बट्टा आर स्क्वायर, हो गया फोर्स, हो गया इस पर फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके मास से डिवाइड करेंगे, इसका मास कितना है सर? एम। मास से मास कट गया, ठीक, मास से मास कट गया। आपके पास क्या बच रहा है बच्चे जी? आपके पास बच रहा है 2gmm
टू जी एम बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है सर, टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देखो टू, अब एक्सरसाइज संख्या पर देखिए, अब इस पर देखिए, इस पर किसका लग रहा है, अब हम ये एक्सेलेरेशन वन निकाल दिया, अब दूसरे पिंड पर इस पर किसका एक्सेलेरेशन लगता है, देखो यहाँ पर क्या आया सर, आपके आया टू जी एम एम, टू जी एम एम, जी तो कॉन्स्टेंट है सर, तो क्या रहा है सर, टू मास वाला टू, यानी इस पर जो एक्सेलेरेशन लग रहा है इसका मास का रोल है, इस पर एक्सेलेरेशन लग रहा है तो इसके मास का रोल है, ये जितना भारी होगा उतना इस पर एक्सेलेरेशन लगाएगा, बस समझे, इससे कोई मतलब नहीं है कितना हल्का है कितना भारी, ये कितना ही भारी होता है इससे मतलब नहीं है, इस पर जो एक्सेलेरेशन लगा रहा है इसका मास का रोल है ए वाले पिंड का, अब बी वाले पर ए का रोल है, अब ए वाले पर देखते हैं किसका रोल है, इसके भी मास को, इसके भी, इसके फोर्स कितना सर, वही है टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इसका मास कितना सर, इसका मास है सर टू एम, टू से टू कटेगा इस पर, एम से एम कटेगा, आपके पास बच रहा है जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी इसमें मास कौन आ रहा है, इसमें मास आ रहा है एम मास वाला रहा है जी, ये पर इसमें मास कौन आ रहा है, तो हमने क्या देखा सर, एक्सेलेरेशन वन ज़्यादा है टू से, देखो ये नोट में लिख दिया हूँ, आपको टेंशन नहीं रहेगा, नोट पढ़िएगा नोट, कि बी पर बी जो मास वाला है पर त्वरण ए वाला कितना है सर टू, एम के दरमियान कारण लग रहा है, इसके मास के कारण इस पर एक्सेलेरेशन लग रहा है, और या ऐसे कर सकते हैं टू एम जो है ए वाला पर, और इस पर जो है ए इसके मास पर एम के दरमियान कारण, इसके दरमियान कारण इस पर एक्सेलेरेशन लग रहा है, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन वन क्या है, ज़्यादा है किससे, एक्सेलेरेशन दो से, क्योंकि एक्सेलेरेशन वन का मान कितना रहा है सर टू जी एम आ रहा है, ठीक है, इसका त्वरण ज़्यादा है क्योंकि इस पर जो बल लगाने वाला है इसका मास ज़्यादा है, और इसका त्वरण ज़्यादा है, ये भारी तो था लेकिन ये हल्का है, तो ये इस पर ज़्यादा एक्सेलेरेशन नहीं लगा पाएगा, ठीक है सर, क्या इस बात को सीख गए सर, क्या आपने इस बात को सीखा, चलिए सीखा तो अच्छी बात है, और इस पर फायदा आपको होगा, देखिए अब मैं कहता हूँ यहाँ एक मास है एम वन, यहाँ मास एम टू, बीच की दूरी आर है सर, इस पर इसको हम एक्सेलेरेशन वन, इसको एक्सेलेरेशन टू मानेंगे, इसका निकालते हैं सर ए वन वाले का तो फोर्स अपॉन एम, ठीक है सर, फोर्स क्या है सर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, अब फोर्स इसके मास से डिवाइड करो, इसके मास कितना सर एम वन था, एम वन से एम वन कट गया तो क्या बचा, एक्सेलेरेशन वन पर क्या बचा जी एम टू आर स्क्वायर, आप देख रहे हैं इसका मास आ गया एम टू, इसका त्वरण निकालने गए तो मास किसका आ गया सर एम टू का आ गया, अच्छी बात है सर, अब यहाँ देखिए इसका निकालिए ए टू वाले का जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, ठीक है फोर्स का, इसका फॉर्मूला हो गया फोर्स का बटा इसके मास से डिवाइड कीजिए, इसके मास से डिवाइड करेंगे तो एम टू से एम टू कट गया तो बचो जी एम वन एम टू स्क्वायर, एक्सेलेरेशन दो निकाल रहा है तो मास कौन आ रहा है एम वन आ रहा है, यही बात यहाँ ऊपर समझाने की आपको कोशिश किया गया था कि जब इसका त्वरण निकलेगा तो इसका मास का रोल आएगा, इसका त्वरण निकालेंगे तो इसके मास का रोल आएगा, क्या ये बातें बच्चों क्लियर है, क्या इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ, और ये बात आपको चमक गया है तो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट होगा जरूर पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन के बच्चे हों या ऑनलाइन के, ऑनलाइन वाले हैं तो आप बिल्कुल कमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। आइए सर, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ बातें जाना जाए, गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण है, ठीक है, या कह सकते हैं आप पृथ्वी की ओर कोई वस्तु, जैसे मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ नीचे गया, कोई वस्तु छत से कोई अपनी चीज़ छोड़ दिया नीचे गिर रहा है, या आसमान में कोई चीज़ छोड़ा अपने वो भी नीचे गिरता है, तो कोई वस्तु जो फ्री फॉल कर रहा था उसको ऐसे छोड़ देते हैं, और जो वस्तु गिरती है तो उस वस्तु की गति में उसकी वस्तु की चाल बढ़ता है, देखो इसको मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो अभी छोड़ रहा हूँ तो स्पीड जीरो है, लेकिन नीचे तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, छत छोड़ूंगा तो जीरो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ रहा है, और इसी को बच्चा जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, इसी को एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, चलिए इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं इसीलिए सदिश राशि है, इसका सर जो वैल्यू होता है
-9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जी बराबर ये होता है। क्यों सर? क्योंकि जो भी ग्रेविटी लगता है जो जिससे धरती लगती है किसी वस्तु को धरती नीचे खींचती है, इसीलिए हम माइनस लगा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं जी का भी जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8, इसको आप अप्रॉक्सीमेट जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है सर, इसको आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या अप्रॉक्सीमेट इसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल में, और अगर ये दिया हो तो इसको, नहीं दिया तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों में कुछ खास थोड़े सा का अंतर है। चलिए अब हम फार्मूला, अब क्या करें सर, हम डिराइविंग द फार्मूला ऑफ जी। अभी जी का फार्मूला क्या होता है सर, ये स्मॉल जी का सूत्र क्या होता है, इसको निकालेंगे। चलिए सर, मान ली आपके पास क्या सर, ये पृथ्वी है। ठीक है सर, पृथ्वी का क्या है सर, सेंटर है, ये पृथ्वी का मास हो गया, और ये कोई ऑब्जेक्ट है पृथ्वी के सरफेस पर, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखा हूँ आर ई, इसका मतलब हुआ रेडियस अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, ये क्या है सर, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा ए बराबर जी एम जी, अपने के बारे M1 M2, लेकिन ये मास क्या है सर, मास किसका लेंगे, मास अर्थ का, मास अर्थ M2 कौन है सर, ये है एम है, कोई ऑब्जेक्ट है, बट आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। चलो ये बात समझ में आया क्या, इसमें कुछ है नहीं क्या, इस बात को समझे क्या, फार्मूला आपने क्या बताया जी M1 M2 सर क्या है, धरती का मास है, तो उसको मैं लिखता हूँ मास, मास ऑफ अर्थ, एम ई का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ अर्थ, M2 कितना सर, छोटा एम है, स्मॉल टू, बट आर स्क्वायर, आर कितना सर, रेडियस, आर ऑफ त्रिज्या धरती का, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के बल का भार भी कहलाता है, यानी ए बराबर एम जी भी कहलाता है, भार का फार्मूला होता है। चलो समीकरण दो हो गया, और ये फार्मूला कहाँ से आता है, डब्ल्यू बराबर एम जी आता है, वेट बराबर एम जी। चलिए ये समीकरण दो हो गया, अब क्या करेंगे, एक तथा दूसरे समीकरण क्या है, ये वाला समीकरण एक क्या है सर, एम जी, इसका आरएच से लेता हूँ एम जी, इसका दोनों का आरएच से लेता हूँ, इसका क्या है सर, जी एम मास ऑफ अर्थ बटा इसको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी फोर्स है एलएचएस में, यहाँ भी फोर्स है एलएचएस बराबर है, तो दोनों का आरएचएस भी बराबर हम ले सकते हैं, तो इसका आरएचएस उठा लिया यहाँ पर, और इसका आरएचएस ले लिया यहाँ पर, इस मास से इस मास को कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत, ये मास सर कैंसिल हो गया, अच्छा बात सर, यहाँ बच गया जी, जी क्या बच गया, जी मास ऑफ अर्थ बटा उसका रेडियस का स्क्वायर, फार्मूला बन गया जी, जी मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब धरती का ही स्क्वायर। अब सर जी के बारे में कुछ बातें हैं, जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के मास पर ये स्मॉल जी डिपेंड नहीं करता है। आ गया फार्मूला जी का, याद रहेगा जी बराबर एम ई आर स्क्वायर, जी बराबर एम आर स्क्वायर, जी बराबर एम आर स्क्वायर, एम मतलब जिसका जिसका मास नहीं, इसका ग्रेविटी निकाल रहा है धरती का, तो मास ऑफ अर्थ लेंगे, उसी का रेडियस लेंगे, यहाँ पर आर ई भी लिख सकते हैं, किसका रेडियस, और धरती का निकाल रहे तो आर आर धरती का रेडियस ले लीजिए, धरती की त्रिज्या ले लीजिएगा, मजा आ गया सर इस पर मूल्य को देखकर। चलिए सर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, अब हम जानते हैं सर जो जी बराबर होता है इतना वैल्यू होता है सर, मास ऑफ अर्थ धरती की त्रिज्या, मास इतना होता है केजी में, याद रखिएगा रेडियस उसका इतना होता है। जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा, जी एम मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, कोई बात नहीं सर मजा आ गया। जी सर मान रखिए, जी का मान आप पढ़ चुके हैं सर, 6.667 होता है ना 10^-11, तो आप 6.66 नहीं उसको आप 6.7 में लिख सकते हैं, मास अर्थ इतना होता है, रेडियस धरती का इतना है स्क्वायर किया आपने। चलो इसको लिखा आपने, इसको लिख, देखो मैं क्या कहूँ, ये और ये साथ में लिख दिया, और ये पावर वाला साथ में लिख दिया, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे इसको, इसको मैं दो बार लिखूँगा 6.4 दो बार, ये भी इसका भी स्क्वायर बताऊँ, 6×12 10^12, अच्छी बात है सर, इसके इसका मल्टीप्लाई कितना आया, इसका मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। और देखो यहाँ पर अपने 9th फार्मूला पढ़ा था, अभी 9th में तो है आप, ए के पावर एम और ए के पावर एन, पावर सेम बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, 24 और 11 जुड़ेगा तो 23 आएगा, और ये 12 है सर तो 12 है, तो 13 से 12 काट दोगे तो एक 10^1 के बचेगा, 10^1 के बचेगा नीचे, नहीं हाँ 12 से 13 कट जाएगा 10^1 के बचा। अब ये था, अब देखिए सर इसको
दस के पारे के मतलब सर दस इसमें गुना करेंगे तो दशमलव जो है सर ये 402 बन जाएगा और ये होगा। अब इसको इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो सर आप डेसिमल चेंज करना सीखें कहाँ पर, छोटे क्लास में आपको सिखाया गया है, सिक्स क्लास में सिखाया है हम सर आपको मैथमेटिक्स में कि डेसिमल को भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलो सर इसको बात कर लेते हैं सर, ये क्या है सर आपका 402 और आपके पास है सर 40.96। सर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो 402 डेसिमल के बाद दो संख्या है तो दो जीरो ऊपर चल जाएगा और नीचे बचेगा आपका 40.096। अब इसको पहले दो से आधा कर दीजिएगा, ये इसको काट दीजिएगा दो से या डायरेक्ट इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो 9.8 आएगा। देखो मैंने जी का वैल्यू निकाल दिया 9.8, इसको छोड़ता हूँ तो 9.8। आपको रटने दिया गया क्या, ये जी का वैल्यू कितना होता है आपको रटने दिया क्या, मैं इस जी का वैल्यू हमने निकाला कि नहीं निकाला सर, क्या अच्छी बात है, ये खूबसूरती है बच्चे कंसेप्ट का, आपके पास कंसेप्ट है तो आप निकाल सकते हैं, इसी को हम सर 10 के बराबर ले लेते हैं। चलिए सर इस पर हम कुछ सवाल बवाल करते हैं सर, एक बार आपको शुरू से इसका स्लाइड दिखा देता हूँ कि हमने जी का वैल्यू निकाला कैसे। चलिए सर आइए, सवाल है कि पृथ्वी के आधे द्रव्यमान तथा पृथ्वी के दुगने त्रिज्या वाले ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का पता लगे, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है पता लगे। चलिए एक तो बार बोला सर पृथ्वी के मास, पृथ्वी के आधे द्रव्यमान, ठीक है ये तो मान लीजिए कि आपको जी का फॉर्मूला हो गया सर, अच्छी बात है। अब उसके कोई द्रव्यमान का कोई त्रिज्या वाला ग्रह, ग्रह बताओ सर जी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है सर फॉर्मूला तो वही हो सर, लेकिन इस पर मास बोला उसका आधा लेना है, धरती के मास का आधा, धरती के मास सेम है तो उसका आधा लिया सर। त्रिज्या क्या बोला सर, त्रिज्या त्रिज्या दुगुना है, धरती का त्रिज्या आर था तो इसका त्रिज्या कितना लेना है, 2R ले लेना है, कोई बात नहीं सर। यहाँ लिख दे पिंड दिखा दिया हूँ, ये मास है, ये अपना अर्थ है और ये कोई प्लैनेट है, मास को आधा किया गया, त्रिज्या को डबल किया गया है। तो सर उस जो प्लैनेट का सर बल कितना है, उस प्लैनेट पर उसका ग्रेविटी कितना आएगा इसको निकलना है, ग्रह के गुरुत्व त्वरण का पता लगेगा, उस ग्रह पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा उसको पता करना है। तो चलो इसको रख दिया गया, ठीक है सर 2 का स्क्वायर इतना आएगा, अब ये कर दो। अब थोड़ा तुम ध्यान दोगे सर बच्चा जी, जी मैं 2 का इधर निकाल रहा हूँ, ये 4 दुना 8 हो गया, देखो मैं इसको तो फिर से समझा रहा हूँ बच्चे को मज़ा आएगा। देखो मैं बच्चे आपके लिए क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हूँ तो आप हमसे नाराज मत होना सर, ये आपको मैं निकाल रहा हूँ ग्रेविटी अब किसका प्लैनेट का, कि आप सॉल्व किए हैं सर, आप सॉल्व कर चुके हैं जी एम बाई सॉरी बराबर में लेना है एम बाई 2 अपन में सर 4R स्क्वायर सर, ये भी फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन में पलटेगा ना जी एम बटा 2 पलटेगा सर, यहाँ 1 मान लेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और नीचे जाएगा सर 4R स्क्वायर। तो सर क्या हो जाएगा आपका जो प्लैनेट का जो ग्रेविटी निकाल रहे हैं हम लोग जी एम कहाँ चला गया, एम भी था नहीं पर जी एम था ना, ये एम था जी एम, ये 4 दुना क्या हो गया सर 8R स्क्वायर। अब तुम थोड़ा ध्यान देना बच्चा जी, क्या फार्मूला पहले से हमको जी एम बाई आर स्क्वायर, जी आपने फार्मूला पढ़ा था ग्रेविटी थी ये वाला जी एम बाई आर स्क्वायर, ये नहीं होता है मास ऑफ अर्थ मतलब मास त्रिज्या स्क्वायर, तो किसका देखो ध्यान से देखेंगे आप ग्रेविटी जो पृथ्वी की जब ग्रेविटी निकालते हैं तो ये तो आता है सर जी एम बाई आर स्क्वायर, तो मैं इस जी एम आर स्क्वायर को जी एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है सर, ये जी ई होता है तो वहाँ तो जी ई बैठा सकते हैं, बटा में 8 है तो 8 रख देंगे, अर्थात जो ग्राफ आप निकालने गए थे जो पृथ्वी के मास का दुगना आधा हो उसके पृथ्वी की त्रिज्या का दुगना हो तो उसका जो ग्रेविटी आएगा सर वो धरती के 1/8 गुना आएगा। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसको आप जो 8 गुना आया ना, देखो मान बैठा हुआ यहाँ पर, तो क्या आया प्लैनेट की ग्रेविटी कितना आया, ये इसका फॉर्मूला तो होता है सर, यहाँ 1/8 लिख सकते हैं, और इसका कितना आ गया सर, ये फार्मूला किसका धरती का, तो अभी भी कर सकते हैं 1/8 गुना होगा धरती के ग्रेविटी के प्लैनेट पर कम, जब इसका मास को आधा कर दें और त्रिज्या को दुगुना कर दे दो, ये फिजिक्स की जादू है और ये आपको चीज़ें आना चाहिए, नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप अब फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं है, आपको बच्चे जैसे हैं तो बच्चे नहीं बन सकते आप,
आठवां जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं एट क्लास में हूँ तो बिल्कुल आप अलग है, आपको यहाँ से थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो आपको दोनों पढ़ाई दिया हूँ मैं, आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ के समझा रहे हैं। इसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, इसको सर हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और इसका सर बड़े जी से डिनोट कहते हैं, इसको सर हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है इतना होता है, स्मॉल जी का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। ये पूरे ब्रह्मांड में इन्वर्स कंसिस्ट होता है और ये बदलते रहता है, ये गुरुत्वीय त्वरण सर बदलते रहता है। अब केपलर का नियम पढ़ेंगे सर, केपलर साहब थे, उन्होंने तीन नियम दिया था, तीन नियम क्या है उन्होंने, जैसे मान लो कि ये सन है, देखो उन्होंने क्या बोला था, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। केपलर साहब ने बोला था कि वो सन है, ठीक, क्या है सूर्य भगवान है, ये सन है, ठीक। और सन के मान लो सन है, और सन के आसपास में कोई चीज़ चक्कर लगाता है, मान लो सन के ऊपर सूर्य की, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे कोई ग्रह ऐसा ऐसा घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसी को बोला गया सर केपलेट का ऑर्बिट नियम। क्या बोला गया, केपलेट का ऑर्बिट नियम, ठीक। अब देखो, अब जैसे ये चीज़ घूम रहा है, ये देखो ये केपलेट का ऑर्बिट नियम हो गया कि कोई पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब देखो अभी मान लो कि अब बात करेंगे सर हम इसका दूसरा नियम है सर, चलो इसको नीचे समझाएंगे हम, पहले बताते हैं। दूसरा नियम था लॉ ऑफ रियाज यानी उसके क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड आवर्तकाल, ठीक है। और इसको जिन्होंने दिया था केपलर साहब, उनका पूरा नाम है जॉन केपलर, वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति का वर्णन के लिए तीन नियम दिए थे, तीन नियम दिए हैं, ठीक है। तीन नियम में सर पहला है केपलर का, आपने क्या पढ़ा, केपलर का कक्ष का नियम, यही ना था केपलर कक्ष नियम। केपलर के कक्ष नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, पढ़िए यहाँ पर पढ़ते हैं। केपलर का पहला नियम बताता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्स ऑर्बिट में, एलिप्स बोले तो सर धरती जो है ना अपना चिपटा है, अंडाकार है, उसमें घूमती है, जिसमें किसी, देखो अब एलिप्स के बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको, एलिप्स क्या होता है। देखिए एलिप्स ऐसा होता है, पूरा वृत्त जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा चपटा होगा। तो एलिप्स देखो, अगर कोई सर्कल होता तो उसमें एगो सेंटर होता, लेकिन पृथ्वी कैसा है, ऐसा आकार का है, अपना धरती ऐसा है, ठीक है। तो मान लो इसमें दो फोकस बताए थे, इसमें कितने फोकस होते हैं, दो। एलिप्स में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक। एक दोनों फोकस को साथ में फोकाई बोल देता है, फोकाई दोनों के साथ में क्या बोला जाता है, फोकाई, फोकस का प्लुरल फोकाई है, एक रहेगा तो फोकस बोलेंगे, लेकिन दूसरे को फोकस होता है इसको फोकाई बोल जाता है। ये मान लो कि पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है। तो केपलर का पहला नियम कहता है कि किसी दो, जो उसका दो फोकस है, किसी एक पर सूर्य को रखना पड़ेगा, या तो यहाँ सूर्य रहेगा या तो यहाँ सूर्य रहेगा, और उसके बाद में कोई पिंड इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी तो क्या लगेगा, केपलर का कक्ष का नियम, या किसी जिसमें एलिप्स के दो फोकस में दे लिखा गया, दो फोकस में से किसी एक पर स्थित है सूर्य, कहाँ रहेगा, एलिप्स के दो फोकस में से किसी एक पर सूर्य होगा, और कोई ग्रह उसका चक्कर लगाएगा, कोई ग्रह उसके चारों ओर घूमेगा। मान लो एक ग्रह घूम रहा है एलिप्स में, किसी एक पर्सन को रख दिया गया, अब ये ग्रह घूमते रहे चारों ओर, कोई दिक्कत नहीं है, पहला फोकस था दूसरा फोकस था। क्या इतने बातें क्लियर हो गया, केपलर का ऑर्बिट नियम पता चल गया, बहुत ईजी था। एलिप्स के किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित रहेगा और कोई ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है बच्चों का, हो गया। चलिए केपलर का दूसरा नियम चलते हैं सर, मैं इसको पूरा एक बार रिकॉर्ड देख लूँ हुआ कि नहीं। हो गया था, केपलर का दूसरा नियम क्या है, जिसको हम एरियाज नियम बोलते हैं, केपलर का एरियाज, केपलर के क्षेत्रफल का भी नियम बोलते हैं। इसमें कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह घूमते हैं कि ग्रह सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल में घूमती है। देखो इसको मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, पहले पढ़ते हैं। केपलर का दूसरा नियम ये बताता है कि सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से नहीं चलती है कोई वस्तु, जो कि प्लैनेट
सूर्य का जितना नज़दीक होता है तो चाल उसका बढ़ जाता है, और प्लैनेट जितना सूर्य से दूर रहता है उसका चाल घट जाता है। मैं आपको अभी बात को ईजी समझाता हूँ। ये मान लीजिए, देखो देखो ये डायग्राम तो पहले से बना दिया, कोई बात नहीं, अब यहाँ समझिए आप। मैंने बताया कोई एलिप्स है, एलिप्स पर गोल मत बनाइएगा, थोड़ा चपटा बनाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई सन है, यहाँ पर क्या सन है, यहाँ पर दूसरा फोकस था, यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक, तो इसको मिलाने वाली रेखा, ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया कि सर चल के यहाँ आ गया, अब इसको मिलाने वाली रेखा, ये रेखा और ये रेखा कोई एरिया बनाती है कि नहीं, ये क्षेत्रफल बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है, इसी को कैपिटल का एरिया नियम बोलता है। लेकिन ये नियम ही कहता है कि अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, मान लो यहाँ थी, यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था और यहाँ आ गया, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों एरिया जो है ना सब बराबर होगा, ये बताता है नियम। ये कोई पिंड प्लैनेट ग्रह था, ये ग्रह यहाँ आया तो जो कवर किया, फिर ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक आया, ये जो ग्रह किया, ये एरिया जो होंगे सब बराबर होंगे, यही तो कैपिटल का दूसरा नियम है। वाह अरे सर क्या बात है, देखो समय एरिया वन और एरिया टू, एरिया वन और एरिया टू सर आपस में बराबर होंगे, और बताया गया देखो ये प्लैनेट ना बहुत दूर है तो इसका स्पीड सर कम होगा, और ये प्लैनेट ना सूर्य से सी वाला है नज़दीक में आ गया तो सी का सर स्पीड जो होगा ना सर ज़्यादा होगा, क्या होगा ज़्यादा होगा। और क्या वैसे पर है क्या, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान चाल से नहीं घूमते हैं, ये स्पीड जो ये हो ना समान स्पीड से नहीं घूमेगा, ये समान स्पीड से नहीं घूमेगा, हाँ समान एरिया कवर करेगा, यहाँ से आया या यहाँ से आया, ये दोनों समान एरिया कवर करेंगे लेकिन स्पीड इनका समान नहीं रहेगा, क्या बात है सर, क्योंकि सामने नदी का स्पीड बढ़ गया और दूर से स्पीड इसका घट गया। केपलर का तीसरा नियम क्या है सर, थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या है, किसी ग्रह का सूर्य के से जो औसत दूरी का जो घन होगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाने वाले समय के वर्ग के समानुपाती होता है, और इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखो जो उसने दूरी कवर किया उस दूरी के क्यों मान लो, माना दूरी उसने आर कवर किया तो उसका घन करो, समय का वर्ग कर दो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यही तो बोला था दूरी के घन, दूरी था तो घन, समय समय मान लो टी समय लिया हुआ तो उसका वर्ग कर दो, यही इसका हो गया नियम, केपलर थर्ड लॉ है। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट हटाएंगे तो सब बराबर का साइन रहेगा, और इसके बदले में कोई के लग गया, के क्या है सर, कोई कांस्टेंट है और टी स्क्वायर, अब के का जो कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट का जो वैल्यू निकालेंगे तो टी सर गुना में था तो भाग में चल गया, तो ये कांस्टेंट का जो वैल्यू था आ गया आर क्यूब का वर्ग बटा टी स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, आर मीन्स दूरी है सर सन से, टी क्या है सर टाइम पीरियड है जो सन के द्वारा ली, इसी सर ये केपलर थर्ड लॉ है, इसे क्या बोला गया था, लॉ ऑफ पीरियड ही बोला गया था, ये आवर्तकाल है, कितना टाइम लिया था ये हो गया। थोड़ा न्यूटन का थर्ड लॉ याद कर लेते हैं, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है सर, कोई वस्तु मान लो ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु ने इस पर फोर्स लगाया, एक्शन किया, तो इसने इस पर भी एक्शन किया होगा, आप दीवार पर मुक्का मारेंगे तो दीवार से भी यहाँ पर फोर्स लगाया इसीलिए आपको चोट लगता है, तो थर्ड लॉ ये कि एक्शन क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक बार पूरा इस स्लाइड को फिर से कवर कर रहा हूँ कि बच्चों का कुछ स्लाइड कट ना जाए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बनाया हूँ, बहुत परिश्रम किया हूँ, मानता हूँ सर अभी क्लास 9th है, बच्चे उतना वीडियोज व्यू नहीं आते हैं, फिर मेरे मैथ वाला लेक्चर अच्छा चल रहा है। चलो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, सेम जो विपरीत बल लगता है ना उसी को सर गुरुत्वाकर्षण बल को भी परिभाषित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल सही है, देखो धरती ने हमको खींचा, धरती को हम लोग भी खींच रहे हैं, धरती ने हम पर बल लगाया है तो हम लोग भी धरती पर लगाते हैं, लेकिन उसका बल इतना ज़्यादा है कि हमारा बल फीका पड़ जाता है उसके आगे। चलो इसका अर्थ हुआ कि जब पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है तो वस्तु भी पृथ्वी पर भी उस विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है सर, ये बराबर जी एम टू आर स्क्वायर जानते हैं सर। वैल्यू अब सर हम बात करते हैं जी फॉर अर्थ, धरती पर अर्थ का वैल्यू क्या है सर, हम निकाल भी चुके थे इतना होता है सर, ठीक है सर। अब देखो इसमें एक दूरी एक बात क्या है सर, जो रेडियस का स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर दूरी जितना बढ़ेगा धरती पर सब बल उतना ही, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो ये आपसे प्रश्न बिहार बोर्ड को पूछा है आपसे, मान लो मैं थोड़ा धरती बनाता हूँ, थोड़ा सा गोल ऐसा बना, ये मान लो पृथ्वी है, और मान लो पृथ्वी का सेंटर मान लेते हैं सर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको अगर एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है सर, धरती किस पर गुरुत्वाकर्षण में ज़्यादा लगा रही होगी, तो अपने कहा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में आती, जितना दूरी बढ़ाओगे सर, आपने क्या पढ़ा था सर, जी
M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दूरी दूर है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी सर क्या है ज़्यादा है, तो जो इस पर सर बल लग रहा होगा सर वो कम लग रहा होगा। इस केस में देखो दूरी क्या है सर, कम है। अब दूरी क्या है सर, कम है, ये दूरी ज़्यादा था, यह दूरी कम है, तो फोर्स स्क्वायर क्या होगा, ज़्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते, इसको बोलते हैं सर विषुवत रेखा। याद रखना, पेपर में बहुत आता है सवाल ये विषुवत रेखा। ये क्या है सर, ध्रुव है, ये ध्रुव जिसको हम सर पोल बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है सर। तो इक्वेटर की अपेक्षा सर पोल पर फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि फोर्स सर पास में है। वही लिखा हूँ, ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है सर। वैल्यू ऑफ जी फॉर मून, चांद पर सर जी का वैल्यू कितना आता होगा, चलो 1/6 गुना आता है ना सर, कैसे आता है, चलो अब थोड़ा गए थे, अब निकालना सीखिए, निकालिए सर जी, जी अर्थ ग्रेविटी ऑफ मून, तो जी ग्रेविटी मास ऑफ मून बटा उसका रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, फार्मूला तो ही रहेगा, मैं सबको बैठा दिया हूँ। आपका एनसीटी में सम्मान दिया गया है, जी का मान आपको पता है, मास ऑफ मून का इतना होता है और मून का रेडियस इतना होता है सर, इसको दो बार लिख दें, चलो फिर वैसा ही सब मैं गुना वना किया हूँ, तो कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा, जितना करेंगे आपका मैथमेटिक्स ठीक होगा। वैसे मैं कर दिया हूँ, इसके इसके मल्टीप्लाई इतना आया है, इसको सॉल्व किया इतना आया, इसका मल्टीप्लाई इतना आया है और इतना, देखो इसको काटोगे तो नीचे 1/10 बचेगा, इसको जब काटोगे तो नीचे 1/10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो मैं ये इसमें गुना कर दो तो आपका वैल्यू आ रहा है जी, गुना करने पर गुना कर दिया हूँ तो 30 इतना। अब इसको इसको डिवाइड करेंगे सर तो यार 1.63 इतना मीटर स्क्वायर। अब चलिए निकालते हैं, देखिए ग्रेविटी ऑफ अर्थ इतना हो गया, ग्रेविटी मून इतना हो गया, तो जी बटा जी एम, तो जी ऑफ अर्थ कितना था 9.8 था। अब मून कितना है सर, धरती की अपेक्षा कितना है, इतना काटो 6/1 आया, तो इसीलिए कर सकते हैं सर जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है 6 × 6 GM होता है, अर्थात अब जी एम का वैल्यू निकालिए, जी एफ मून निकालिए, क्रॉस गुना किया हूँ यहाँ से, इसमें इसमें तो जी ही आया, इसमें क्या 6 × 6 GM आया। अब से हम जी एम जी एफ मून निकालना है, बटम जी जी बटम में 6 चल जाएगा, यानी जो धरती का ग्रेविटेशन होगा उसका 6 गुना 1/6 भी कर सकते हैं आप इसको। यही पेपर में खूब पूछता है कि धरती की अपेक्षा चांद पर किसी वस्तु पर ग्रेविटी कितना लगता है, तो 1/6 कितना 1/6 ये बुक में दिया है तो लिख दिया हूँ, याद रखिएगा। फ्री फॉल तो आपको पढ़ाई दिया हूँ कि कोई वस्तु का वैसे छोड़ते हैं तो उसको उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो केवल गुरुत्व बल के कारण उसका गिरना मुक्त पतन कहलाता है, और मुक्त रूप से गिरता हुआ वस्तु जो होता है वो फ्री फॉली ऑब्जेक्ट कहलाता है या पिंड कहलाता है। जब कोई वस्तु को हम छोड़ते हैं ऐसा, जैसे इसको मैं पकड़ा हूँ, होल्ड किया हूँ, छोड़ रहा हूँ, अभी जैसे छोड़ूंगा सर इसका U0 होगा, जैसे वस्तु नीचे आएगा सर उसका भी नीचे आते हैं, उसका धरती पर सटने से पहले उसका अंतिम प्रारंभिक वेग 0 था, लेकिन भी सर फाइनल वेलोसिटी उसका सर 0 मैक्सिमम रहेगा, और जो उस पर वेट लगता है W/mg लगता है। एक बात कीजिएगा, आप धरती के ऊपर से क्या कीजिएगा, दो वस्तु लीजिएगा, एक भारी और एक हल्का, उसको आप छत से छोड़िएगा ना ऐसे दोनों को साथ में, आप छत पर खड़े हो जाइएगा, एक पत्थर लीजिएगा और एक प्लास्टिक का छोटा हल्का गेंद लीजिएगा, दोनों को छोड़ेंगे ना तो मजे की बात है, दोनों सेम बार दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि जो उन पर जो ग्रेविटी लगता है सर एक समान लगता है, और मास से कोई मतलब अपने पढ़ा भी था ग्रेविटी पे मास से कोई लेने देना है नहीं, क्योंकि धरती का मास इतना ज़्यादा है कि बाकी धरती पर कुछ भी आप रख लो, हाथी घोड़ा सबका ऑब्जेक्ट जो मास है वो फीका ही पड़ता है। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल, कोई वस्तु को आप छोड़ेंगे ऊपर से तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, मान लो कोई वस्तु को आप छोड़ रहे हैं तो U0 है, नीचे के छोड़ रहे हैं तो भी का मान जब वैल्यू सिटी निकलना होगा सर, आपने पढ़ा ना भी बराबर U+AT, तो यहाँ पर U+GT लिखना है भी निकालने के लिए, और आपने पढ़ा था फॉर्मूला S = UT + ½AT², एस क्या है सर, अरे यहाँ से यहाँ तक वस्तु है तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और यही तो इसका ऊंचाई होगा, इसलिए हम एच लिखते हैं, तो UT + ½GT² लिखना है सर। जी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है सर जी के बराबर होता है, और V² बराबर जो होता है सर U² + 2GH होता है। तो जब वस्तु का ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो आप ये तीनों इक्वेशन याद रखना है आपको, यही लगाना है, यानी ++ में लेना है, और लेकिन नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो आपको फार्मूला क्या लेना है, V - U - GT सब तीनों माइनस में, ऊपर छोड़ेंगे तीनों प्लस में, नीचे से फेंकेंगे तीनों माइनस में, हो गया। और एक रक्षसर पढ़ाए थे वो भी आपको नहीं हम समझा देंगे क्लास में ही, कि उस मेथड से भी सवाल आपके बन जाएंगे, लेकिन आप ये
दो क्वेश्चन लेकर चलिएगा, अच्छा रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए मेथड दो भी आपको समझाता हूँ। कोई वस्तु आप ऊपर से छोड़ रहे हैं ऐसे, तो आप ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, तो सर आपने पढ़ा था ना ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, अक्ष में जो ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो आपको यू माइनस में लेना है, तोरण भी आपको माइनस में लेना है, जिस छोटे लिखा है ये भी माइनस में लेना है, और ऊंचाई ऊंचाई भी माइनस में लेना है। लेकिन आप नीचे से कोई चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर आपको यू जीरो लेना है, तोरण हमेशा माइनस में लेना है। एक्सेलरेशन आप ऊपर से नीचे से छोड़ें या नीचे से ऊपर फेंकें, ये का मान हमेशा यहाँ भी माइनस लेना है, यहाँ भी माइनस लेना है, लेकिन यहाँ एच प्लस लेना है। तो ये मेथड से ही बन जाएगा सवाल, और जो मेथड आपको दो तीन छः फार्मूला लिखवा दिए हूँ उस फार्मूला से ही बन जाएगा। तो सर इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके डाउट्स जो होंगे सर क्लियर हो जाएंगे। कथक नदी के पुल पर ऊंचाई की अनुमान लगाना है, ऊपर से कोई पत्थर फेंका गया है तो पानी में उसको टच किया है तो समय 2 सेकंड लिया है, तो उसके पुल की ऊंचाई कितना होगा। देखो आप ऊपर से नीचे छोड़े हो ना, तो आपको फॉर्मूला बता दिया। देखो तो यू जीरो होगा, ए का मान हमेशा ये रखिएगा जो जी के बराबर होगा 9.8। एच निकालना है तो फॉर्मूला दिए, ऊपर से नीचे छोड़े हैं तो मैं केवल प्लस ले लीजिए, यू टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखिए यू जीरो था, टाइम भी जीरो हो जाएगा, दो सेकंड लिया है लेकिन टाइम तो जीरो हो जाएगा, दो रखने पर भी जीरो हो जाएगा, 2 सेकंड दो कट गया, इसमें इतना आ गया। अब चलो रक्षक वाले नियम से बनाइए, बन जाएगा मेथड 2 से। मैं क्या बोला, ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं डाउनवर्ड कर रहे हो, तो यू जीरो होगा, ये तो माइनस में लेना ही लेना है, एच भी माइनस में लेना है, तो भी देखो आपका आंसर उतना ही आएगा। तो आप इससे बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में कंसेप्ट से आंसर आ ही जाएंगे आपके। एक सवाल है कि जब क्रिकेट गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया है, जब गेंद जमीन से टकराता है तो उसकी गति की पता प्राप्त करना है, इसकी ऊंचाई भी प्राप्त करना है, चार ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। तो पहले तो उसके भाई सर ऊंचाई बोला है, जमीन से टकराते हैं तो उसकी गति, पहले उसकी गति निकालना है यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू तो जीरो है सर, 2, जी का मान पता है एच, जी का सर हम 10 के बराबर ले सकते हैं, 9.8, एच सर 20, ऊंचाई दी है सर 20 मीटर ऊंचाई से, एच पता है, तो भी कितना गया 20 आ गया। अब देखिए यू निकालना था उसका सर, ये भी तो निकालना सर, इसकी ऊंचाई से जब गिरा रहे थे तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी, बस समय कितना लिया, टाइम भी निकालना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा भी बराबर यू प्लस जी टी, ठीक, ये यू को इधर ले तो माइनस में हो जाएगा, जी बटम जी आ गया, टाइम बच गया, टाइम का फॉर्मूला हो गया, तो 20 माइनस बटा 10, 10 सेकंड दो बार में कट गया, तो सर टाइम लेगा 2 सेकंड, टाइम कितना लेगा 2 सेकंड। चलिए आपको बुक सभी क्वेश्चन कराए थे, आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे एक बार जल्दी से, ये वाला, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर करेंगे। आप बोलो सर तो बना दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद से बनाओ बन जाएगा, हो गया तीनों सवाल लिख लिए अपने। चलो देखना आपको मैं क्या कर सबसे सिखा, मजा आएगा आपको, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए पहले क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, गिवन क्या है सर, टाइम पता है इतना, जी आपको इतना ले लेना है, सवाल ने बोला भी था जी आप इतना ले लीजिए। पहला में सर क्या बोला गया है, धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी फाइनल भी पूछ रहा है, यू पता है, मान लो कोई चीज़ छोड़ते हो तो जब धरती पर टकराने वाला था तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था वो नहीं पता है, वो निकलना है, तो आपको यही ना फॉर्मूला पढ़ाया गया ऊपर से नीचे गिराने के लिए, यू प्लस जी टी रख दो, जी का मान यू नहीं, यू जीरो था, जी का मान इतना है 10 है, और टी टाइम लिया है सर इतना, मल्टीप्लाई कर दो सर, मैं 0.5 को 5/10 भी लिख सकता हूँ, या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का बात 5 ही आएगा। चलो यानी उसका फाइनल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन में चलिए, औसत पूरा उसका औसत चल निकलना है, उसका औसत चल क्या होगा, उसका औसत चल क्या होगा यानी एवरेज स्पीड क्या होगा। औसत चल का औसत हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी ए बी एवरेज वेलोसिटी औसत चल, यू प्लस वी बाई 2, यू इतना है, वी पता हो गया 5, टाइम से 2 से भाग दे दो सर, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड औसत चला गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है सर उसकी ऊंचाई निकालिए,
कितने ऊंचाई पर से वो गिरा था, ऊंचाई के लेके फॉर्मूला आपके पास यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर सबको रख दीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। तीनों आंसर आ गया, तीनों आंसर आप एक ऐसे नीचे आप लिख दीजिएगा अपने आंसर में। पहले से धरती पटकते समय ये चाल 0.5 सेकंड में उसकी औसत चाल इतना, और धरती से कगार की ऊंचाई जो है 1.25 मीटर। ठीक है, तीनों के नीचे लिख दीजिएगा, मैं एक लिखा हूँ दो और आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपके ये भी सवाल बन गया। चलो अब बात करते हैं सर द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को मैं कहता हूँ कि देखो जैसे मान लो कि ये आपका डब्बा है तो इसमें कितना सामान भर जाएगा, इसमें कितना मीटर भर सकते हैं, वही इसका कहलाएगा मास। और वेट क्या होता है, वेट में धरती जिस पर कोई वस्तु पर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है उसका वेट कहलाता है। तो वेट और मास, भार और द्रव्यमान अलग चीज़ है, हम लोग कभी इसको एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें। देखो लिख भी दिए गए हैं कि स्पिन में कितना मास कितना द्रव्यमान नहीं थे, उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है उसका मास कहलाता है। मास को सर हम केजी में नापते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान होता है, कहीं भी जाएंगे मास सेम रहेगा। ठीक, भार में क्या अंतर रहेगा, अब देखो जितना आपका मास है ना सर, मास आपका यहीं पर इतना ही रहेगा, लेकिन आपका भार जो होगा सर चांद पर जाएंगे तो आपका भार कम हो जाएगा। तो भार ग्रेविटेशन पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाती है, और जिस चीज़ से जो कोई अपने जिससे मान लो किसका जो मास है और उस पर जो बल लगता है, मान लो कोई हल्का वस्तु होगा कोई भारी वस्तु होगा और पृथ्वी उसको खींच रही अपने आप, तो वस्तु पर जो बल लग रहा होगा खींचने में, जो सब पृथ्वी बल लगा रही होगी वही उसका भार कहलाता है। तो किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। भार एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और दिशा दोनों होता है, इसमें क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, भार दिशा और परिमाण दोनों होता है। भार एक कैसे मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन भार किसी वस्तु का भार हर जगह समान नहीं होता है, हर जगह जाएंगे तो उसका भार बदलता रहता है। ये चलिए अब किसी वस्तु का चंद्रमा भार क्या हो सकता है इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए आपने पढ़ा कि वेट ऑफ अर्थ इतना होता है, वेट ऑफ मून सर क्या होगा, इतना होगा। चलिए दोनों को सर भाग दिया जाए, समीकरण दो को एक से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, इसको मैंने इसे डिवाइड किया, इसको हमने इसे डिवाइड किया, यहाँ एम से एम कट गया और यहाँ जी से जी भी कट गया, एम से एम कट गया और जी ई से जी एम, अच्छा जी एम कितना होता सर आप निकाल चुके थे सर, ग्रेविटी ऑफ मून कितना होता सर, तो आपने पढ़ा था जी धरती के 1/6 गुना होता है, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ इंटू 1/6 हो गया, और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी से ग्रेविटी कट जाएगा और बच जाएगा आपके पास क्या, ग्रेविटी ऑफ जी कट गया बचा 1/6। तो अर्थ जो मून पर किसी वस्तु का भार जो होता है सर 1/6 गुना हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ मान लो 6 किलो का होंगे ना, तो हमारा भार जाके वहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं फार्मूला से, कोई वस्तु का भार मान लीजिए सर यहाँ पर अभी है 6 kg द अर्थ पे, अर्थ पर कितना है 6 kg, तो मून पर कितना होगा, तो मून का फार्मूला अपने पढ़ा है सर 1/6 इंटू धरती का जो धरती पर उसका मास था, धरती पर मास कितना है 6 kg, 6 से कट जाएगा वहाँ जाकर 1 किलो का हो जाएगा। यहाँ पर कोई वस्तु 6 किलो का है तो मून पर जाएगा तो वस्तु 1 किलो उसका भार हो जाएगा, धरती पर भार उसका 6 kg है तो चंद्रमा पर जाने पर भार हो जाएगा 1 kg हो जाएगा, यानी इतना घट जाएगा। हो गया, चलो तो वस्तु का भार जो होता है चंद्रमा पर 1/6 इंटू इसका धरती पर भार के बराबर होता है, इसको हम निकाल भी चुके थे, इसका धरती पर पृथ्वी पर भार, ठीक है फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ। क्वेश्चन है सर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। चलो मास 10 kg है, जी निकालें सर नहीं इतना होता है सर, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, तो इतना हो गया। अतः वस्तु का भार जो होगा धरती पर 98 न्यूटन होगा, अगर उसका मास 10 किलो है तो भार कितना होगा 98 न्यूटन। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो पृथ्वी सतह पर भार ना पाएगा 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, तो वही 1/6 से इसको कर दीजिए वेट ऑफ अर्थ 1/6, या इसको ऐसे भी कर सकते थे 1/6 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वही 10 को 6 से भाग दे दीजिए तो 1.67 न्यूटन बच जाएगा। अतः उसका भार कितना हो गया, इतना हो गया। देखो धरती पर था 10 kg 10 न्यूटन, चंद्रमा पर हो गया 1.67 न्यूटन हो गया।
द्रव्यमान और भार में अंतर आपको पढ़ा दिया हूं, तो यहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कर लेना है, आंसर यहां नीचे लिख दिया हूं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया हूं। ये सब समय आपका होमवर्क है, जब कोई क्वेश्चन है खुद से ट्राई करना है, ऐसे आंसर सर मैं सॉल्यूशन भी कर दिया हूँ। सॉल्यूशन कब देखना है, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलो मैं इसको ढक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो समय मेरे पास कम है, इसके लिए मैं थोड़ी जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस भी ऑफलाइन शुरू होने वाला है। चलो देखा, ये सवाल बोला था ना, बहुत बार पूछा गया है। आपको नाइन्थ में जितना मस्त पढ़ाया जाना सर, आप इलेवेंथ जाओगे आपको बहुत गर्दा उठ जाएगा, इलेवेंथ का आंसर क्लियर हो जाएगा यहीं से। चलिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मन क्या होता है? अरे भाई जितना ऊपर जाओगे तो घटेगा ना सर, घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं ये लेक्चर अपना दो हो गया ना, लेक्चर तीन यहाँ से आएगा, और मेरे ख्याल से एक दो लेक्चर में आपका पूरा ये ग्रेविटेशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।